जुचबा ही सुतार के उन्होंने आगे आना, फिर सीढ़ियों को चूम आगे जा। यहाँ पे बड़े बड़े बुत भी पड़े थे। सामने मंदिर है ना, वो मेरी सास का मंदिर कमरा था। खत्म कर दिया अगला, मुसलमान से राम जी पढ़ने से पहला उठे दरवाजे ते चला कर दंदे सी। बेटा असि ते आप आए हैं बने बनाए वेच ही, हमें क्या पता। जब हिंदू गए मंदिर गया, क्योंकि मंदिर से मदीना बन गया। डन बाय किशोर चंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ फाइका राना। नाज़रीन, लाहौर की एक ऐसी जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ एक कदीम मंदिर पाया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर जो है वो 200 से 300 साल पुराना है। बाकी इसकी क्या तारीख है, इसके पीछे क्या कहानी है, यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हीं से जानते हैं। कितनी देर से आप यहाँ रह रहे हैं? ये 50 साल हो गए। हाँ जी, उससे पहले मतलब यहाँ पे हिंदू आते जाते थे, मतलब वहाँ से जूती बाहर से उतार के उन्होंने आगे आना, फिर सीढ़ियों को चूम आगे जा। फिर ये इनका ना मतलब पूजा करते, यहाँ पे बड़े बड़े बुत भी पड़े थे तो उनको पूजते थे करते थे। और यहाँ पे लंबा सा बरांडा था, वहाँ पे आके मुसाफिर खाना रहता था, दूर दूर से आते वो रह के जाते थे। लंगर भी होता था, हर यहाँ पे खुई होती थी, वो गंदा पानी पड़ कर गिरा दिए। हाँ जी, ये अच्छा कहा जाता है कि यहाँ पे पूजा होती थी, सांपों को दूध पिलाए जाते थे। सामने देख बस वैसे मतलब पूजा होती थी यहाँ पे। हाँ जी, इसमें यहाँ पे ये भी मैं सुन के आई थी कि राम और सीता मिले थे पहली दफा। बेटा मुझे उसका नहीं पता। हाँ जी, अब इसका नाम जो है वो मदीना कॉलोनी रख दिया गया। मदीना कॉलोनी रख, मुसलमान जो है। हाँ जी, वो तो सारे टाटू दिए गिरा दिए, अब मुसलमान कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तस्बीहें करते हैं, ये सब। अब यहाँ पे सारे मुसलमान? हाँ जी, सब मुसलमान। पहले इस मंदिर का क्या नाम था? मंदिर पैरस्तान, पैरस्तान इसका नाम भी वहाँ पे सीढ़ियों पे लिखा हुआ है। एक उधर वो सामना मंदिर है ना, वो मेरी सास का मंदिर कमरा था, उसकी सीढ़ियों पे भी लिखा हुआ था। हाँ जी, तो ये मंदिर नज़र आ रहा है, ये इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है, क्या कहा जाता है कि किस तरह का मंदिर है? मंदिर पैरस्तान। तो क्या होता है, इधर ही ख़त्म क्यों कर दिया? ख़त्म कर दिया अगला, मुसलमान से राम जी पढ़ने से ओ हिंदू वाला काम है सारा कुछ। तो हिंदू इधर रहते थे पहले? हाँ, हिंदू रहते थे पहले। अच्छा। असी पाकिस्तान छड़ के आए, उन्होंने असी इधर आ गए, जो उखड़ गए उन्होंने साढ़े संभालते, असी हूँ रहते हिंदू वाला। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे राम और सीता मिले थे? पहला उत्थे दरवाजे ते चला कर दंदे सी, हूँ नहीं जाते, हूँ आते ही नहीं हिंदू नहीं, जो कभी आए तो चले गए नस गए। कितने देर हो गए, कितने साल पुराना मंदिर? बहुत पुराना मंदिर है। तो आपके होते कोई लोग यहाँ पे हिंदू रहते रहे हैं? नहीं देखे, कोई नहीं आंदे देखे नहीं। अच्छा। जांदे देखे नहीं, रहते नहीं देखे कभी। अच्छा, पहले ये मंदिर था, अब इसको मदीना कॉलोनी का नाम दे दिया गया है, तो ये कितने अरसे से इसका नाम चेंज किया? क्या हो गया, 10-12 साल हो गए ने इस गल। अब वो नाम ही हो गए ना, मकान सा दे मंदिर नाम ही करवा लिए, तो अपने रिश्ता बनिया ही है। अब यहाँ सारे मुसलमान हैं? हाँ, मुसलमान सारे। ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसकी क्या हिस्ट्री है? बेटा असी तो आप आए हैं बने बनाए वेच ही। अच्छा। हमें क्या पता। आपसे पहले लोग कितना अरसा हो गया आपको इधर रहते? हमें यहाँ पे 35 साल हो गए। तो फिर तो पता होगा ना आपको कि हम बने ही देखे ना, साढ़े बड़े पता होगा जेड़े बेचारे पहले शुरू आए ने। तो बड़ों से सुना नहीं कि यहाँ पे हिंदू आते थे, पूजा होती थी? नहीं नहीं नहीं, हिंदुओं का क्या काम है यहाँ पे? मंदिर जो बना हुआ है, मंदिर जब हिंदू गए मंदिर गया, खत्म, उनकी कहानी खत्म हो गई है। अब इसका नाम जो है वो मदीना कॉलोनी रख दिया गया है, ये हमने बदल दिया है क्योंकि मंदिर से मदीना बन गया है। तो आपके बड़ों ने कोई बात नहीं बताई कि यहाँ पर राम और सीता मिले थे पहली दफा? ना ना, कोई राम ना सीता थे नहीं, हमारे आने से पहले चले गए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कैमरामैन को बोलेंगे कि यहाँ पे जरा जूम कर दें और मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, डन बाय किशोर चंद और मेहमर ऑफ हिज बिलव्ड मदर्स विल ऑफ राम रामदास तलवार कैस्टल। कुछ कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं लेकिन कुछ मुझे नहीं आ रहे। और यहाँ पे लिखा हुआ है डब्बी बाज़ार लाहौर, शायद ये इसका एड्रेस भी हो सकता है। और मंदिर में के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि ये जो इमारत की हालत है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे अब मुस्लिम एक फैमिली रहने लग गई है, उन्होंने अपना सेटअप कर लिया।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाले लगे हुए हैं। और ये अभी तक बाहर एक आंटी बता रही थी कि यहाँ की जो इमारत है वो टूटती नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे या मोहम्मद भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस मंदिर के अंदर। और थोड़ा सा अंदर जाएं तो कुरान पाक पढ़ा हुआ है। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इमारत की जो हालत है वो कितनी नाजुक और खस्ता हो चुकी है, लेकिन इनका जो दरवाज़ा है वो भी बहुत कदीम नज़र आ रहा है। यहाँ पे मंदिर को मसमार करके बिल्कुल ही बहुत ही गंद डाला हुआ है। और कुरान पाक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। शायद यहाँ पे वो अपना जो है वो भगवान रखते हों और पूजा करते हों। दिए जलते थे यहाँ पे और कहा जाता है कि यहाँ पे सांपों को दूध पिलाया जाता था। तो जी नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसे कदीम मंदिर की जो 200 से 300 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के लोगों का कहना था कि ये बहरिस्तान मंदिर कहलाता था जो कि अब मदीना कॉलोनी बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। और यहाँ पे जो पहले पूजा हुआ करती थी, पहले यहाँ पे शाम को दूध पिलाया जाता था, अब ये इबादतगाह बन चुका है। जो हिंदुओं की जो जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी, अब वहाँ पे कुरान पाक रखा जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़ाइकराना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।